पीएम मोदी के द्वारा कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी किए जाने पर युवा कांग्रेस भड़क गई है और हमीरपुर में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अणु चौक पर पीएम मोदी का पुतला जलाया। इस अवसर पर हमीरपुर लोकसभा महासचिव मोहित चौधरी, ब्लॉक नदौन अध्यक्ष कटोच की अगुवाई में दर्जनों युवाओं ने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला जलाया। हमीरपुर लोकसभा महासचिव मोहित चौधरी ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में युवा कांग्रेस ने पीएम मोदी का पुतला जलाया जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने सोनिया गांधी को विधवा बोलकर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसकी युवा कांग्रेस घोर निंदा करता है। उन्होंने कहा कि इसी के चलते प्रदेश भर में युवा कांग्रेस पीएम मोदी के पुतले जला रही है। वहीं ब्लॉक नदौन के अध्यक्ष डिंपल कटोच ने बताया कि कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर पीएम मोदी ने अभद्र टिप्पणी की है, जिसका युवा कांग्रेस विरोध करता है और इसी के कारण युवा कांग्रेस ने हमीरपुर में पीएम मोदी का पुतला जलाया है। आज हिमाचल प्रदेश में पूरे हिमाचल प्रदेश में युवा कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया है। नरेंद्र मोदी ने जो हमारी पूर्व की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के ऊपर गलत बयानबाजी की है और उन्हें विधवा, जो औरत का इज्जत करना नहीं जानता है, जो खुद शादीशुदा है और अपनी पत्नी को छुपाता है, और सोनिया गांधी जी के ऊपर, एक महिला के ऊपर विधवा का शोषण लगा रहा है, उसके ऊपर जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, वो औरत की जो इस समाज में पूरी एक औरत समाज को गाली दी है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी का खिलाफ हमने जो युवा कांग्रेस ने जो है पूरे प्रदेश में और हमीरपुर जिला में एक प्रोग्राम रखा था, अणु चौक पे हमने जो है सारा जो वहाँ पे पुतला नरेंद्र मोदी का जलाया। जो तीन स्टेटों में हमारी सरकार बन रही है, उसकी बौखलाहट में इन्होंने सोनिया गांधी जी के ऊपर जो गलत बयानबाजी की है, ये उनकी बौखलाहट सदैव साफ नजर आ रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस सरकार बन रही है, राजस्थान में हमारी कांग्रेस सरकार बन रही है, और मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बन रही है।